अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। तो आदिल भाई हैं हमारे पास, ठीक है, और इनसे मैं एक छोटा सा सवाल जो मुझे बड़ा ना काफ़ी दिनों से लोगों के नुकसान होते हैं, मेरा भी हुआ था, खुर्रम भाई आपका भी हुआ था ना लास्ट? जी बिल्कुल, ठीक है। तो ज़िशान भाई का काफ़ी नुकसान हुआ था और भी काफ़ी सारे ब्रीडर, कोई जो नाम नहीं बताना चाहते तो वो मैं नहीं बताता, लेकिन ज़िशान भाई जो मेरे उस्ताद है उसका भी काफ़ी नुकसान हुआ था। और आपको पता है कि ये जो सेकेंड लास्ट क्लच सीज़न का गुजरा था इसमें काफ़ी सारे लोगों का नुकसान हुआ था। तो मैंने एक वीडियो देखी सुबह सवेरे इन साहब की, ठीक है, तो इन साहब की जब वीडियो आई तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, इसको पागल हो गया, ये लोगों को बता रहा है कि मेरा इतना नुकसान हो गया और मुझे बड़ा दुख हुआ था। यकीन माने कि एक जब एक ऑस्ट्रेलियन तोता भी मरता है ना तो बंदे को कितना दुख होता है ये मैं जानता हूँ, ठीक है। एक रियल बर्ड लवर को पता है कि यार एक बर्ड जब मरता है तो कितना नुकसान और कितना आपको तकलीफ़ होती है। नुकसान तो चलो वो तो एक कुदरती चीज़ है, लेकिन जो तकलीफ़ होती है ना वो मेरे जैसा बंदा या इस जैसा बंदा समझ सकता है। तो मेरा इस बंदे से सिर्फ ये सवाल है कि यार आप लोगों ने इतना खुल के क्यों बताया लोगों को? देखो भाई, एक तो बात ये थी कि अरे ये सिंपल सी बात है कि कोई अगर मैं बताऊंगा मेरे बर्ड में वायरस आया तो कोई मेरे से बर्ड खरीदेगा नहीं, ठीक है। वो सब लोग समझते हैं कि वायरस है, ठीक है, तो वो मेरा बर्ड नहीं खरीदेंगे। मगर मुझे अल्लाह पे तवक्कल होती है, इंसान किसी को कुछ भी नहीं दे सकता, अल्लाह ने रिस्क देना है। 3.5 लाख रुपये का बर्ड मेरा मरा, पूरे सीजन की कलेक्शन थी सब खत्म हो गई, पूरे सीजन की कलेक्शन, ठीक है। बात ये नहीं थी कि 3.5 लाख का नुकसान था, बात ये थी एक टाइम आया था मैं एक दिन रो पड़ा था, ठीक है ना, कि मेरे सामने बर्ड मेरा तड़प रहा था और मैंने डॉक्टर्स के पास लेके गया, मैंने हर तरह की सुखियारा जो कुछ मेरा उन्होंने की और बताई, मैंने सब कुछ शेयर किया अपने चैनल पे। यार अगर मेरे साथ लॉस हो रहा है, मुझे पता था मेरे दोस्तों के और लोगों के पास भी वायरस आया हुआ, उनको मेरा बर्ड तो मर रहा है, अगर अगला उसको क्योर करके अपने बर्ड चला ले बहुत बड़ी बात है। मैंने तो एक तो ये कहते हैं ना सदका जारी के तौर पे कर रहा था, मैं ये नहीं देख रहा था कल को उसके नुकसान मेरे पर क्या बजेंगे, ठीक है। बर्ड मर रहा था, मुझे बर्ड कब तकलीफ थी, ये नहीं था कि ये 3 लाख का रहेगा, ये 3.5, ये 10,000 का, ये 20,000 का, ये 40,000 का, ये 50,000 का, पूरे साल की मेरी मेहनत ज़ाया हुई थी, मगर मुझे उस चीज़ का दुख नहीं है। मैंने कहा मेरे अल्लाह ने दिया है, मेरा अल्लाह और देगा, ठीक है। और मैंने ये भी नहीं डरा कि यार मेरे उसके बाद मुझे जो बर्ड है मेरे बिकेंगे नहीं, काफ़ी लोगों का ऐसा हुआ उसके बाद, मेरे ही लोगों ने मेरे ही इवन के अब मारे ही होते हैं, और भाई उसके पास तो वायरस आया उससे बर्ड ना खरीदी, अब मेरे पास वायरस चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इसका इम्पैक्ट अभी तक आ रहा है। मुझे लोगों ने कहा यार आपने गलती करी थी, मैंने कहा देखो भाई मेरे अल्लाह ने रिस्क लेना है, अगर मेरे नसीब में रिस्क लिखा वो मुझे मिल के रहेगा, मेरी मेहनत जो थी मेरा अल्लाह मेरा दिल जानता है, मेरी नीयत साफ थी, मैंने लोगों को बताया भाई ये चीज़ें मत करो, इस वजह से मेरे शर्ट में भी वायरस आया है, इन चीज़ों की वजह से ये हुआ है, और इन चीज़ों से बचो और ये चीज़ें यूज़ करवाओ तो इंशाल्लाह जो आपकी शर्ट से वो बर्ड वो वायरस जो आ रहा है उसकी क्योर क्या हो सकती है वो मैंने बताने की कोशिश की थी, और कोई रीज़न नहीं थी। यार मैं कहता हूँ कि आदिल भाई आपको सलूट है, सीरियसली मैं ये नहीं कि ये मेरे दोस्त है बचपन के तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं YouTube से पहले और ये भी YouTube से पहले, उस वक्त हमारे YouTube पर कोई नाम और निशान नहीं था, बर्ड्स भी नहीं थे, यहाँ तक कि बर्ड्स तो यार जाहिर सी बात है जब हम दुबई गए तो इसने भी वाइंड अप किया और मैंने भी किया, लेकिन वहाँ पर जाहिर सी बात है घर पर कोई ख्याल नहीं। लेकिन एक बात है कि सलूट है आपको कि आप इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें लोगों को बता देते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, हम कोई खुदा नहीं है ना कोई जो है ना बस बर्ड लवर है, एक्सपीरियंस है जिस तरह ये हमारे उस्ताद है, ठीक है भाई साहब, अपनी एक्सपीरियंस से जो हमने चीज़ें सीखी है, कभी कभी हमारे सामने आप यकीन करो कि ये नहीं है, आप कभी कभी मैसेज करते हैं यार बिलाल भाई बताएं, आदिल भाई बताएं, खुर्रम भाई बताएं क्या करें इस बर्ड का, कभी कभी हम भी बेबस हो जाते हैं, बर्ड हमारे सामने तड़प रहा होता है, हमें खुद नहीं समझ लगती, हमें समझ नहीं लगती कि यार हम इसका क्या करें, कसम हम यूं करके सर पकड़ के यूं करके बैठ जाते हैं कि यार अब क्या करें, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं पकड़ के, यार कसम है मैंने, आप यकीन करो कि मैंने और मुश्ताक भाई ने, मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी वाले जो है अल्ट्रासाउंड कराए हैं, उसके अल्ट्रासाउंड नहीं पोस्टमार्टम कराए हैं अपने बर्ड्स के, पोस्टमार्टम कराने गए हैं। मैं आपको ये तस्वीर भी लगा दूंगा कि पोस्टमार्टम कराने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बर्ड्स के पोस्टमार्टम होते हैं, तो मैंने यार कराए हैं, मुझे दुख होता है। और सच्ची बात है कभी कभी डॉक्टरों के पास भी हमारे परिंदों का इलाज नहीं होता, तो नाराज़ ना हुआ करें, मेरा भी नुकसान हुआ था, खुर्रम भाई का भी हुआ था, मेरे ज़िशान जो मेरे उस्ताद है ज़िशान सलीम उसका कम से कम 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। तो यार बर्ड्स है, अगर आप केयर अच्छे से नहीं है, आदिल भाई की बात करें, देखो भाई बड़े से बड़ा ब्रीडर भी हो बर्ड मरता है, जानदार चीज़ है। अब बंदा कहेगा वो बहुत प्रोफेशनल उसका बर्ड नहीं मरता, भाई ऐसा नहीं होता, आप अगर नए हैं आपका भी मर्ड बना, डीमोटिवेट ना हो, मोटिवेट हो यार। अब मेरा दोस्त था उसके पास वायरस आया, वो कह रहा भाई मैं सेटअप खत्म कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई क्या हुआ, सब्र ले ले, अल्लाह देगा इंशाल्लाह,
हाथ के मेरा वाला छोटा, मगर मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं फिर लगाऊंगा, फिर से करूंगा, स्टार्ट करूंगा। डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, बट जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, वो चीज़ थी अल्लाह ने ले ली, उसमें भी अल्लाह की रजा है, इसमें कोई बात नहीं होती। अब और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, देखो मैं आजकल एक और भी बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि लोग देखते हैं, अब हमने वीडियो से बातें कर रहे थे, मैं अपने चैनल में बोलता हूँ यार आप लोग जो इन्फॉर्मेशन हो मैं, आप मुझे मैसेज करें, मैं रिप्लाई करूँगा। कभी कभी बंदा ऐसा भी होता है भाई, बंदे के पास टाइम नहीं होता, और लोग दरा मैसेज कर रहे हैं, दरा मैसेज कर रहे हैं, आप रिप्लाई ना करो ना उसको, आप शुरू में करते रहो, कुछ अर्थे में एक दिन रिप्लाई नहीं होगा, भाई तुम तो बड़े नखरे हो गए, तुम तो बड़े फेमस हो गए, तुम तो जवाब नहीं दे रहे हो। मैं आपके बाप बताता हूँ, मेरे तीन ग्रुप है व्हाट्सअप के ग्रुप है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ कि कौन से ग्रुप है। तो उसमें कुछ लोग होते हैं, वो जाहिर सी बात है यार 10,000, 8,000, 6,000 वो चैट लगी होती है। अब मैं एक बंदे एक ग्रुप में जाके यार सारों का मैसेज खोल के थोड़ी पढ़ सकता हूँ, तो उस बंदे को मैं रेगुलर रूटीन में वो जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे से मांगता है मैं उसे दे देता हूँ यार ये आज है। उसने कई ग्रुप में मुझे और मुश्ताक भाई को मेंशन किया कि यार मुझे इसका इलाज बताओ। अल्लाह के बंदे खुदा का नाम ले, इस तरह ना किया कर, मुझे पर्सनल बताया कर, बिजी होते हैं हम भी इंसान हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप नाराज हों, तो यार थोड़ा सा हाथ ओला रखा करें, ये आदिल भाई की जो बात है ना, तो हाथ ओला रखा करें इंशाल्लाह। दिन रात नहीं देखते हैं, सुबह के 4 बज रहे हो 5 बज रहे हो यार, इतने मैसेजेस करता हूँ ना बंदा, ये लग रहा होता है बड़ी फेम है, पागल हो जाता है भाई, आसान काम नहीं। अब लोग कहते हैं नबी शेख जवाब नहीं देता, मैं समझ रहा हूँ अब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर है, मैं हर बंदे को रिप्लाई नहीं देता, 200-400 मैसेज आ जाते हैं, वो अगर 10 सवाल और करता है, और जिस बंदे के 50-60,000 सब्सक्राइबर हो, लाखों जाने वाले हो, वो एक एक मैसेज भी करे तो कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती है भाई। ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ, देखिए मेरी बात सुने, तीन मेरे ये दोस्त हो गए, ठीक है, तीन आम हो गए, इसके अलावा ऑफिस कुलीग है मेरे कम से कम 400, ठीक है, उसके बाद मेरे दुबई के फ्रेंड भी 400 कर लो, जिन जिन कंपनियों में मैंने जॉब छोड़ी है वो भी 1,000-1,500 कर लो, ठीक है। उसके अलावा जब से मैंने बर्ड रखे हैं तो सब्सक्राइबर के अलावा जिससे मेरे से सेल परचेज हुई है वो लोग भी कॉन्टैक्ट में होते हैं, उसके बाद सब्सक्राइबर भी है, जो जो मुझे जानता है वो भी है, तो और किसी के जवाब, इसी तरह आपकी भी फैमिली, हाँ फैमिली के लोग, फैमिली उसके पास सिर्फ अपनी बेगम, अपनी बेगम के मैसेजेस, एक बेगम के मैसेजेस आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे बेगम कहती है तो कर ली थी शादी, ये क्या किया सारा दिन रात उनको मैसेज कर रहे हो, वो कहती है भाई की शादी के लिए, और लोग देखते भी तो नहीं है, आधी रात को यार कॉलें आ रही होती है, आधी रात को मैसेज आ रहे होते हैं, मैं कहता, वो कहती है ये क्या, ये कौन सा नया काम है भाई की रात भी नहीं होती। कभी कर रहा कोई फीमेल हमारी सब्सक्राइबर हमारी बहने, ठीक है, आप सब मेरी बहने हो, कोई जो है ना ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी बेगम को क्लियर कर देता हूँ कि ये सारी मेरी बहने हैं, और लेकिन कभी कभी कॉल आ जाती है, वो उनका मसला होता है वो किससे पूछे, ठीक है। एक मेरी कोई फीमेल इस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती है अगर आपको कॉन्टेक्ट करिए, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट किसी को भी, कोई भी लड़की अगर किसी को कॉन्टेक्ट करिए तो यही होता है कि वो यार शरीफ बंदा है, यही हर इंसान को उसको कर रहे। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे साथ कुछ 16-17 फीमेल है मेरी बहने हैं, ठीक है, तो मुझे जब कॉल करती कल परसों से मुझे कहा यार बिलाल भाई हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड है लेकिन हम बात नहीं कर सकते किसी से क्योंकि यार बंदा सही नहीं होता, ठीक है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में जो प्लान होगा वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका ग्रुप कैसे बनाया जाए, आप सेल परचेज कहाँ करें, लेकिन यार आप लोगों के लिए थोड़ा मसला होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, और आप मेरी बहनें हो, इंशाल्लाह आपके लिए कोई सलूशन निकालेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई अगर ऐड लगाता है कि मैंने चीज़ लेनी है तो बेचारी किस तरह वॉइस मैसेज करके या ये वो, तो काफ़ी जाना होता है। तो आप ही आदिल भाई से बात करते हैं, बस यही मैं मशवरा दूंगा भाई कि सीखें पहले, और थोड़ा सा अगले को भी अंडरस्टैंड करें, अपनी उसको अपनी जगह रख के देखें, अगर आप मैसेजेस कर रहे हैं तो हर टाइम हर बंदा अवेलेबल नहीं होता, तो उसको ये इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहा तो वो गरूर में आ गया तो कब्र में आ गया, ठीक है। हर चीज़ को थोड़ा अपने आप को रियलाइज़ करें, अगर थोड़ा टाइम होता समझे कि यार अब अगला क्या कर रहा होता। अब नबी शेख भाई अल्हम्दुलिल्लाह यार जब कॉल करता हूँ उठाता है, मगर मैंने इसको ज़िंदगी में कॉन्टैक्ट नहीं करता बिला वजह, जब मतलब बता पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, 5 मिनट बात की बस, ठीक है भाई ये बात है ये बात खत्म, क्योंकि मैं उसको रियलाइज कर सकता हूँ अपने आप को कि यार वो किस लेवल पे खड़ा है, मगर लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे होते, लोग समझ रहे होते यार बस वो अगला वेला बैठा वो हमारे लिए और हम मैसेज करेंगे और धड़क कल के जवाब आ जाए। एक पठान था उसको मैं जवाब देता था, एक पठान था एक बार को मैं जवाब देता था, बता रहा बाइक चलाते हुए जवाब देता था उसको, एक दिन मैंने उसको जवाब लेट दिया, तुम तो बड़े वो समझने लग गए अपने आप को, मैंने कहा भाई मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट खुलेआम बोला मैंने, भाई मैं अपना काम कर रहा, मैंने घर देख रहा है, बीवी बच्चे और सो काम है, अब अगले कहते हैं भाई सबर भी नहीं है, सबर भी नहीं है, पहले तो कोई बताता भी नहीं है, मुझे बहुत लोग कहते हैं मेरे फैंसियर्स के यार आप, अभी भी मैं गया था काफी लोगों से फैन से मिला था, बड़ी इज्जत दी है, वो कह रहे हैं भाई आप जवाब देते हो यार, कहते बड़े बड़े लोग यूट्यूब पर बातें करते हैं जवाब नहीं देते, वो जवाब ही नहीं देना गवारा करते,
मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, मैं हो गया या अपना आदिल भाई हो गए, तो ये दो बंदे ऐसे हैं कि चाहे कुछ भी हो ठीक है हम जवाब देते हैं, और आप लोगों को पता है कि हम टाइम और टाइम आपको मैसेज का जवाब दे देते हैं। लेकिन यार खुदा का वास्ता ये मैं आज जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ठीक है, कि अगर आप बार बार एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप बार बार मुझे मैसेज करेंगे अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक है तबीयत ठीक है सेहत अच्छी है, तो मैं आपको इग्नोर करूंगा, साफ सी बात है, क्योंकि आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं कि मैं ठीक ठाक हूँ सलामत हूँ ठीक है। आप जब एक पॉइंट की बात करेंगे आपके बर्थ को कोई मसला है तो मैं अगर आपको जवाब ना दूं या ये बंदा ना दे तो हम जिम्मेवार है ठीक है। अब आप हम भी फिर इग्नोर करने लग जाते हैं यार ये बंदा तो बस सलाम दुआ के लिए बार बार फोन करता है, तो यार हाँ ठीक है यूट्यूबर के साथ दोस्ती रखना सही है मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम महीने में एक दफ़ा कॉल करो। अब रोज़ाना एक बंदा है मैं लाहौर का है, वो मुझे एक सुबह का नाश्ता करेगा तब भी पिक्चर भेजेगा ठीक है, मार्केट जाएगा टमाटर हैंडल के साथ लटकाए होंगे वो मुझे तब भी पिक्चर निकाल के मैं टमाटर लिए हुए, तो अल्लाह के बंदो आप समझ रहे हो ना मैं आपको कह रहा हूँ। तो यही हमारी कन्वर्सेशन थी, और हम दुआ करते हैं आदिल भाई के लिए, आदिल भाई को अल्लाह ताला, वैसे जब एक बात बताऊँ यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ कि सिर्फ पिंजरे बनाना मुश्किल काम होता है एक ब्रीडर के लिए, बर्ड बनाना कोई मुश्किल, क्योंकि अपनी घर की प्रोडक्शन होती है, और आदिल भाई एक्सपर्ट है, इन्होंने माशाल्लाह जितना इनका नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा, जिस तरह आपने थंबनेल में देखा है कि आदिल भाई का 3.5 लाख का नुकसान हो गया, तो रियलिटी में इनका नुकसान हुआ है, और कोई ऐसी फेक बात नहीं है, स्माइल मजाक हमारा, क्योंकि हम बड़े ऐसे बात मिले तो हम मजाक में ये बातें कर, माशाल्लाह से जब मेरा बर्ड मरा था काफ़ी अच्छे मेरे ग्रुप के मेंबर्स थे, उन्होंने मुझे बहुत बोला है, उन्होंने कहा आदिल भाई, और मजाक नहीं था, उन्होंने कहा भाई जो बर्ड चाहिए आओ आदिल लेके जाओ बेशक, मगर मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने सबको यही जवाब दिया था भाई मुझे दुआओं की जरूरत है, बर्ड बन जाएगा इंशाल्लाह, वो टेंशन नहीं, सिर्फ दुआएं चाहिए, अपनी बेस पे खड़ा होना चाहता हूँ भाई, किसी के कंधे में रख के नहीं चलानी गोलियां। और मैं यहाँ एक चीज ऐड कर दूं कि रैम्बो वर्किंग तो ये कर ही रहे हैं आजकल, ब्लैक विंग नहीं है, ये देख लें भाई बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है ना आदिल भाई का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ, रैम्बो बजीज वर्ल्ड के नाम से इनका चैनल है, और आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, आपने विजिट करना है, और ये डिस्प्ले पेज है उनका। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।